गुड मॉर्निंग सम स्टूडेंट्स, आज हम सूर्यमल मिश्रण के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम उनका परिचय देखिए। डिंगल भाषा एवं साहित्य की गौरवमयी परंपरा में जिन कवियों का नाम लिया जाता है, उनमें बूंदी की सूर्यमल मिश्रण का नाम महत्वपूर्ण है। महाकवि मिश्रण जी बूंदी नरेश महाराव राम सिंह के राजकवि थे। तो ये क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है कि बूंदी नरेश राम सिंह के आश्रम में कौन से कवि रहते थे, या ऐसे पूछा जा सकता है कि सूर्यमल मिश्रण किसके आश्रम में रहते थे। तो उसका आंसर है राम सिंह। इनका जन्म विक्रम संवत 1872 में तथा मृत्यु 1920 में हुई थी। उनके पिता का नाम चंडीदान तथा माता का नाम भवानी बाई था। उद्भट वैदुष्य, प्रकांड पांडित्य एवं विलक्षण काव्य प्रतिभा की दृष्टि से सूर्यमल मिश्रण का आसानी से मिलना मुश्किल है। महाराव राम सिंह के आदेश पर उन्होंने वंश भास्कर नामक महान और विशाल ग्रंथ की रचना की, जिसमें बूंदी राज्य का काव्यवध इतिहास अंकित है। रजवाड़ों के इतिहास सहित अन्य विषयों का भी समावेश किया है। इसके अतिरिक्त वंश भास्कर ने एक ऐतिहासिक ग्रंथ के साथ साथ तत्संबंध ज्ञान के एक सर्वांग कोश का रूप भी ले लिया है। इन्होंने जो वंश भास्कर रचना की थी, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है इनकी। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वंश भास्कर के रचयिता कौन है, क्योंकि वर्ण इतिहास होने पर भी इसका वर्णन कवित्व होने से रस्म हो गया है। इसमें पिंगल सहित संस्कृत, प्राकृत, मरु आदि बहुभाषाओं का प्रयोग हुआ है, जो उन सभी भाषाओं पर सूर्यमल मिश्रण के असाधारण अधिकार का ज्ञापक है। वस्तुतः वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण की कीर्ति का अक्षय आधार स्तंभ है। उसके विषय में कहा जाता है कि वंश भास्कर को रचना के दौरान चार लेखक सूर्यमल मिश्रण के आसपास बैठ जाते थे, जो उनके मुख से प्रवाहित होने वाली काव्य निर्जनी को लिपिबद्ध करते थे। सूर्यमल मिश्रण डिंगल की काव्य परंपराओं का निर्वहन करने वाले अंतिम कवि है। बुजुर्ग पीढ़ी के कवियों का तो यहाँ तक भी कहना है कि सूर्यमल जैसा बहुभाषिज्ञ, नाना विषयों का धुरंधर ज्ञाता, विलक्षण काव्य प्रतिभा संपन्न कवि तथा सर्वतोमुखी प्रतिभा का ऐसा धनी रचनाकार चारण कुल में न पहले हुआ और न आगे होगा। वंश भास्कर के अतिरिक्त और कौन कौन सी रचनाएं सूर्यमल मिश्र ने की है? देखो, वीर सतसई, बलवंत विलास, छंदोमयुक्त रचना भी उन्होंने लिखी है। इनमें वीर सतसई उनकी कृति का मुख्य आधार है। इसमें कुल 288 दोहे हैं। वीर सतसई का लोलावास निवासी वारेट किशोरीदान द्वारा संवत 1972 में लिखी गई राजस्थानी टीका में मूल पाठ भी दिया हुआ है। तदनुसार दोहों की संख्या 288 ही है, परंतु इसमें एक अतिरिक्त दोहा और मिलता है, जो क्रम में डॉक्टर कन्हैयालाल सहगल और पतराम गौड़ द्वारा संपादित वीर सतसई के 31वें 32वें दोहे के बीच मिलता है, जो इस प्रकार है। धीमा धीमा ठाकुरा हमें ने भीजी हेल, हाथ पसीजा त्यों नथी मूठ बणीरी मेल। वीर सतसई का प्रथम सुसंपादित संस्करण 1948 में बंगाल हिंदी मंडल से डॉक्टर कन्हैयालाल सहगल, पतराम गौड़ और डॉक्टर ईश्वरदान आसिया के संपादक में हुआ। इस प्रकार की जो वीर सतसई है, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। अब हम वीर सतसई की व्याख्याओं का अध्ययन करते हैं। देखिए, लाऊ पे सिर लाज हूँ सदा काहू दास, गण है गाऊ तुझ गुण पाहू वीर प्रकाश। तो राजस्थानी भाषा है, तो थोड़ी सी अटपटी है, लेकिन ध्यान से पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी हमें। देखो, लाऊ पे सिर लाज हूँ, लाऊ लाऊ का अर्थ होता है लाता हूँ, पे चरणों में, लाज लज्जा या संकोच सहित, वीर प्रकाश वीर रस का प्रकाश या वीरत्व की प्रेरणा। ठीक है, ये शब्दार्थ है इनके।
यह दोहा सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित वीर सत्सई का प्रथम दोहा है। इसमें कवि ने गणेश जी की वंदना की है और एक तरह से ये मंगलाचरण है। कवि मिश्रण जी प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे गणपति, हे श्री गणेश जी, मैं आपके चरणों में पै लाज हूँ, पै चरणों में सिर लाज हूँ, आपके चरणों में सिर झुकाता हूँ। सदा कहाऊँ दास, और मेरी यह कामना है कि मैं हमेशा ही आपका दास बना रहूँ। इसलिए कहा सदा कहाऊँ दास, अर्थात मेरी यह कामना है कि मैं हमेशा ही आपका दास कहलाऊँ, मैं हमेशा ही आपका दास बना रहूँ। गण है गाँव तुझ गुण पाहु वीर प्रकाश। और जैसा कि गणनायक का गण होकर आपका गुणगान करता हूँ। गण है गाँव तुझ गुण, अर्थात मैं गणनायक गणेश जी का एक गण मात्र होकर आपका गुणगान करता हूँ। पाऊँ वीर प्रकाश, जिससे कि मुझे वीर रस का प्रकाश मिल सके, मेरे अंतर्गत वीरता का संचार हो सके, और जब वीरता का संचार होगा तभी मैं वीर रस से युक्त रचना कर पाऊंगा। इसलिए मैं एक गण के रूप में तुम्हारा गुणगान करता हूँ, और मुझ में जो दासत्व की भावना है, दासता का जो भाव है, उस भावना को दूर करके वीर रस का मूर्तिमान स्वरूप उपस्थित कीजिए। क्योंकि जब तक मेरे अंदर वीर रस का संचार नहीं होगा, तब तक वीर रस की रचना करना असंभव होगा। इसलिए तुम मेरे अंदर वीर रस का संचार कीजिए। अगला देखो, आणी और जानी अतुल, गाणी करु अगूढ़, वाणी जग राणी वलई मैं चितानी मूढ़। यह अवतरण भी सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित वीर सत्सही से ही लिया गया है। इसमें कवि ने काव्य रचना की सफलता के लिए विद्या की देवी माँ सरस्वती का आह्वान किया है, और सरस्वती की महिमा का गुणगान करते हुए सूर्यमल मिश्रण जी कहते हैं, आणी और जानी अतुल, कि मैं वाणी का अपने हृदय में कई बार आह्वान किया है। आणी और जानी अतुल, कि मैंने अपने हृदय में वाणी की देवी माँ सरस्वती का बहुत बार आह्वान किया है, और मैं इस तथ्य से अवगत हुआ हूँ, गाणी करूँ अगुण, कि वह बहुत ही महिमाशाली है, उसकी महिमा की तुलना अन्य किसी से नहीं किया जा सकती। वाणी जग रानी वलई मैं चितानी हूँ, उसका रूप स्पष्ट करने के लिए मैंने उनका गान भी किया है, गाणीकरण बहुत गान किया है। इस संसार की स्वामिनी सरस्वती का मैं पुनः बार 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 चिंतन करता हूँ। मैं चितानी मूढ़, मैं मूर्ख मूढ़ बुद्धि उन वाणी की देवी माँ सरस्वती का बार बार चिंतन करता हूँ, और भी मैंने बहुत बार किया है और आगे भी मैं करता रहूँगा। इस प्रकार वाणी की देवी माँ सरस्वती की जो महिमा है वह अतुलनीय है, और उसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। और वाणी जग रानी भले, इसलिए मैं उस जग की रानी माँ सरस्वती पर बार बार बलिहारी जाता हूँ और पुनः उन्हें चिंतन करता हूँ। बैण सगाई बालिया पैसी जे रस पोस, वीर हुताशण बोल में दीजे एक ना दोष। बैण सगाई बालिया, ये पंक्तियाँ भी वीर सत्सई से ली गई है। बैण सगाई राजस्थानी भाषा में प्रयुक्त एक प्रकार का शब्द अलंकार है, जिसके वर्णों में साम्य होता है। वालिया का अर्थ होता है निर्वहन करना, और पेशी जे अर्थ होता है देखना, पेख देखना, उताशन अग्नि, एक एक। बैण सगाई वालिया, कि बैण सगाई के नियमों का निर्वहन करने से पैसी जे रसपोस, कविता में रस का परिपाक होता है, रस का संचार होता है। अर्थात बैण सगाई के नियमों का निर्वहन करने से यदि हम काव्य रचना करते हैं, उनका निर्वहन करके, नहीं सॉरी, उनका निर्वहन करके यदि हम काव्य रचना करते हैं तो कविता में रस का परिपाक होता है, कविता सरस
बनती है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि वह वीर रस से युक्त रचना होती है। वीर हुताशण बोल में दीजे एक ना दोष, क्योंकि वीर हुताशण कि वीर रस से युक्त जो उक्तियां हैं उसमें संपूर्ण दोष उसी प्रकार जल जाते हैं जिस प्रकार से कूड़ा करकट, जैसे अग्नि है और कूड़ा करकट पर डाल जाती है तो वह कूड़ा करकट पूरी तरह जल जाता है, उसी प्रकार से वीर रस से युक्त रचना होती है तो अन्य दोषों के होते हुए भी वह निर्दोष साबित होती है। किस प्रकार से? जिस प्रकार से कूड़ा करकट पर अग्नि डालने से वह कूड़ा करकट जलकर राख हो जाता है, उसी प्रकार से अन्य दोष होते हुए भी यदि वीर रस से युक्त रचना है तो वे रस वीर रस के अंतर्गत दिखलाई नहीं देते हैं। बिकम वर्षा बीतिया गण गण चौ चंद गुणीस, बिसर तिथि गुरु जेठ बदी समय पलटी शीश। अब 1857 की क्रांति की ओर संकेत है यहाँ पर, और ये पद कई बार सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया है। विक्रम वर्षा बीतिया कि विक्रम संवत का कौन सा चौचंद गुणीस 1914वां वर्ष व्यतीत हुआ। चौचंद गुणीस, गुणीस मानी 1954 मानी 14वां वर्ष व्यतीत होने पर, इसके मतलब यह है 1914। इसमें से यदि हम उसका वो निकालते हैं तो उसको घटाना पड़ेगा और घटाकर वो 1857 रह जाएगा, अर्थात इसमें से 57 घटाना होगा और 57 घटाने पर वो 1857 ही निकल कर आएगा। तो उस 1857 की क्रांति की ओर संकेत यहाँ कर रहे हैं कि विक्रम संवत का 1914वां वर्ष 1800 अर्थात 1857 की क्रांति का समय व्यतीत होने पर जेठ मास, कौन सा महीना? जेठ मास की कृष्ण नाग पंचमी विषहर तिथि गुरु जेठ वदी कि जेठ मास की, जेठ यानी जेठ मास की गुरु कृष्ण नाग पंचमी, गुरु माने गुरुवार को समय पलटा शीश, समय ने हमारे सिर पर पलटा खाया अर्थात परिवर्तित हुआ। और उस जमाने में जो महान परिवर्तन हुए, जो राजनीतिक परिवर्तन हुए थे, उनको मैंने नज़दीकी से देखा था। वो ऐसा लग रहा था मानो हमारे सिर पर ही परिवर्तन हो रहा हो, अर्थात चारों तरफ कोलाहली कोलाहल मचा हुआ था। तो यहाँ पर 1857 की क्रांति, वह भी कृष्ण नागपंचमी गुरुवार के दिन, कब की बात है? कृष्ण नागपंचमी गुरुवार के दिन समय ने पलटा मारा और वह समय इतनी द्रुत गति से आगे बढ़ा कि ऐसा लग रहा था मानो हमारे सिर पर ही वह परिवर्तित हो रहा